नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप दृष्टि नाव देख रहे हैं। बसंत पंचमी यानी माँ सरस्वती के पूजा का दिन, लोग अपने अपने तरीके से माँ सरस्वती को इस दिन खुश करने में लगे रहते हैं। ऐसे में आज पूरे देश में माँ सरस्वती की वंदना की जा रही है। अभी हम रांची के रिम्स में मौजूद हैं, जहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि माता की जो पूजा है वो यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से की जा रही है। माता की जो मूर्ति है और जो माता के साथ जितने भी देवी देवता हैं, इस बार जो यहाँ का थीम है वो कोरोना को असुर के रूप में दिखाया गया है और कहीं ना कहीं असुर का संहार जो है वो माता कर रही हैं और माता ही करेंगी, इसका भी यहाँ से साफ संदेश जा रहा है। साथ ही यहाँ से ये भी संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरीके से फ्रंट लाइन पर काम करने वाले, कोरोना से निपटने वाले लोग थे, चाहे हम डॉक्टर की बात करें, पुलिसकर्मी की बात करें, उन लोगों को माँ शक्ति दे ताकि किसी भी प्रकार से, किसी भी अप्रिय घटना से निपटने में वो लोग हमेशा मुस्तैद रहें। यहाँ पर हम और भी लोगों, यहाँ पर जो पुजारी जी हैं, हम उनसे बात करना करते हैं और जानते हैं कि कितना आज का दिन का महत्व है और किस तरीके से लोग आज के दिन को मनाते हैं। बाबा किस तरीके से आज का दिन को आप लोग मनाते हैं, आज के दिन का क्या महत्व है, खासियत क्या है? आज का दिन सबसे महत्व है स्टूडेंट लोग का। आज का पूजा जो है तो सबसे स्टूडेंट लोग ही करना चाहते हैं और आज के दिन बहुत महत्व है कि सरस्वती माँ को मतलब श्रद्धा भाव से पूजा करना चाहिए। जितना श्रद्धा भाव से करते हैं लोग, माँ उतना ही प्रसन्न होती है और प्रसन्न होती है तो सबको आशीर्वाद देती है। ये हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के पुजारी जी थे जिन्होंने बताया कि स्टूडेंट काफ़ी उत्साह से माता का पूजा करते हैं ताकि उन्हें जो विद्या हासिल करने में, पठन पाठन हासिल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अभी हमारे साथ इस पंडाल के एक आयोजनकर्ता मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि इस बार जो थीम है वो क्या थीम है और किस तरीके से पूरा पूजा अर्चना इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है यहाँ। ज़्यादा कि हम जानते हैं कि रिम्स का सरस्वती पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है और कोरोना काल होने के बावजूद भी हमने ठाना कि इसको स्किप नहीं करना है, इसको करना है। और कोरोना काल की वजह से इस बार स्पेशल है ये कि कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया थीम हमारा, और इसमें कोरोना को संहार करते हुए श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी को दिखाया गया है और सबसे बड़ा फेस्टिवल है रिम्स का। और इस बार तो और भी खास था क्योंकि हम लोग मुश्किल की घड़ी में सरस्वती माता का हाथ छोड़ नहीं सकते और रिम्स एक शिक्षण परिसर है और हर शिक्षण परिसर में सरस्वती माँ का कितना बड़ा योगदान या उनकी कितनी बड़ी छत्रछाया होती है सबको पता ही है। कोरोना पर थीम इस बार देखने को मिल रहा है आपके यहाँ, भगवान के द्वारा जो कोरोना को कुचलने का दिखाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि गणेश जी का जो वाहन है वो इंजेक्शन लेके घूम रहे हैं, तो क्या थीम, क्या दिखा, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश हम लोग ये देना चाहते हैं कि सभी कोरोना वॉरियर, डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, सब लोग मिलकर साथ में हराएंगे और उनके साथ में भगवान खड़े हैं हमारे साथ में कोरोना को हराने के लिए। और ऐसा हम लोग देख भी रहे हैं, वैक्सीन लगाने की दिखाया गया है, इंजेक्शन दिया गया है मूषक जी को भी और कार्तिकेय जी को भी, तो वैक्सीनेशन शुरू भी हो गई है और वैक्सीनेशन के थ्रू हम लोग कोरोना को हरा भी रहे हैं। नाम और परिचय? नाम बताना जरूरी है। तो ये हमारे साथ रिम्स के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा जो थीम है वो इस बार कोरोना से निपटने वाला थीम बनाया गया है, कि किस तरीके से फ्रंट लाइन पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ माता खड़ी हैं, यही संदेश है इनके द्वारा। सहयोगी रिकी राज के साथ अमित सिंह, दृष्टि नाव।